हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे मायापुरी के फेमस छोले कुलचे खाने, ठीक है। साथ ही साथ में वाद विवाद चल रहा है क्योंकि ये बंदा ही बैचलर है, कुछ टाइम बाद इसकी शादी होने वाली है। हम दोनों जो है वो फेस कर चुके हैं और बहुत से लोग फेस कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो ये चल रही है कि क्या शादी एक सजा है या मजा है। तो पांडे जी आप क्या सोच रहे हैं, मतलब आने वाले के लिए सजा है? अबे चल, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना, उनको किसी के घर पर जाके झाड़ू पोछा करना पड़ता है। झाड़ू पोछा कौन करता है वही से पता है। अगर मैं सही से व्लॉग करने लग जाऊँ ना तो सारे झाड़ू पोछा वाली जो कम्युनिटी ना वो मेरे सपोर्ट में आ जाएगी। मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। सीरियसली यार, कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि हाँ भाई सही में झाड़ू पोछा करता, बस खुद की हालत ही होगी अगर वो लड़का होगा तो। ऐसा कुछ नहीं है, मिलते हैं वहाँ पर, देखते हैं यार, खा के देखते हैं कैसा लगे कैसा नहीं, कैसा लगेगा कैसा नहीं, ठीक है। इसको कल बहुत रात में 3-4 बजे 2-3 बजे ही ऐसा हो गया, चलना चलना प्लान बना 3-2 बजे लगी थी। हाँ रात में फिर नहीं चलना चलना, ठीक है चलेंगे। फोन नहीं आया, मैं नहीं जाना क्या? 12 बजे तो नहीं, नहीं एक्चुअली मैं उठने के बाद से इतना व्यस्त था काम में ना, बहुत सो बिजी व्यस्त। सुबह नाश्ता ना, ऐसा नाश्ता बना दे खुद ही खा लेते हैं। बना रहे क्या करूँ, कोई खाते नहीं तो मेरे को खाना पड़ेगा भाई, तो मैं खा जाता हूँ। और सुबह का नाश्ता भाई हेल्दी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, थोड़ी देर में क्या मिले क्या ना मिले। ब्रेड 2 अंडे। हमारा प्लान कैंसिल होता नजर आ रहा है, भंडारा हो रहा है, ठीक है। और हम सोच रहे हैं यहाँ क्या बट रहा भाई, पूड़ी है, पूड़ी सब्जी, तो हम सोच रहे हैं यहाँ चला जाए अब। लाइन छोटी है बच्चों वाली। पहले का हमारा क्या होता था कि अगर जैसे कोई डे होता है बसंत, पता कुछ होता है जिसमें हर जगह होता है, जैसे आज हो रहा है भाई, हम पूरा एरिया छानते थे कहाँ कहाँ हो रहा है और हर जगह की 2000-3000 पूड़ी जरूर खाते थे। और पूड़िया भाई थे भुक्कड़, उस टाइम तो ऐसे थे नागा बाबा बस घूम रहे हैं पकड़ो की तरह, काम तो था नहीं ना। और कल मिलना और कल यहाँ चलना और पैदल, उस टाइम गाड़ी होती नहीं थी, साइकिल भी शायद ही यूज करते थे हम लोग, साइकिल भी पैदल घूमते थे, पैदल घूमते थे हम लोग इतनी इतनी दूर दूर जाते थे भंडारा खाने से, भंडारा लवर्स। अब थोड़ा सा देख के लगता है यार कि लाइन में लगे नहीं लगे, बट लगना चाहिए कभी कभी। भाई ये कह रहा है नहीं खाओगे तो पछताओगे, मतलब हम पछताने वाले हैं? वो सामने शाही दही बल्ले, कोई नहीं आज हम पछता ही लेंगे, हम कहीं और जा रहे हैं खाने। तो अभी हम गलियों में आ चुके हैं थोड़ी देर के, ये ना ठीक है, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि गाड़ी मिल जाए, चार पहियों और अंदर बैठने के लिए शीशा लग जाए बस। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन एक सवाल पांडे ने कर दिया है, कहीं बंद हुआ तो बंद हुआ तो क्या कर सकते हैं, हमने बैठने का खाली आने की पता नहीं, एक किसी भाई ने बोला कि यहाँ जाओ, यहाँ चले जाओ, पांडे निकल जाएगी यहाँ से। आपने खा भी लिए? बंदा कह रहा है अरे भाई लगता है गलत खा लिया क्या, ये तो कह रहा है यहाँ जाना पड़ेगा। मेरा भाई हाँ रास्ता यही बता रहे हैं, कह रहा है हमने गलत खा लिया लगता है। तो भाई ये लाइन लगी है क्या, ये लाइन भाई लाइन लगी हुई है यहाँ तो। तो भाई आखिर हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ की लाइन देख के ना हिम्मत नहीं हो रही, अब लाइन लगेगी ये तू ले जाएगी और क्या, कितनी देर में नंबर आता है मैं लाइन दिखाता हूँ। तो ये वो शॉप है वहाँ पर बंदे हैं और ये वो लाइन है। हाँ जी भाई साहब भंडारा बनाई गया यहाँ भाई, ये लाइन है कम से कम 40 लोग तो होंगे आगे। कितनी खाई तू? मैं एक प्लेट मेरी अलग से, अलग से तेरी एक प्लेट, हाँ। तीन प्लेट लेंगे, एक प्लेट हमारी, एक प्लेट तीन प्लेट लेंगे, बाकी अगर मन किसी का हुआ तो वो नहीं खा सकता ना, तो फिर लाइन फिर लगना पड़ेगा भाई। 10 मिनट हो चुके हैं, नंबर एक बार भी आगे नहीं बढ़ा, और सुनने में आ रहा है कि कोई बंदा 10 प्लेट ले रहा है, कोई 5 प्लेट ले रहा है, किसी ने 40 प्लेट ले लिया है। तो हम लोग बहुत पास आ चुके हैं और खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। बोलो ना we'll be right back.
गाड़ी बेस्ट थी भाई, वो निकाल ले गया छोटी वाली गाड़ी, देख वो देख ना। तीन प्लेट पैक कर देना और तीन रायते। लो भैया 2-10। चलो जी थैंक यू। मतलब 45 मिनट बाद जाकर कम से कम अपने जो है ये खाना मिला है वो यहाँ पैक करके देते हैं भाई, खाने को यहाँ नहीं देते। मतलब कि आप पैक करवा लो, चाहे गाड़ी में खाओ और चाहे कहीं भी खाओ, मर्जी आपकी। जैसे हम यहाँ खा रहे हैं तो ये ऐसे पैकेट पैक कर रखे हैं वन बाय वन। तो एक मेन अपडेट ये है कि 60 रुपये की प्लेट हो गई है 30 की जगह। हम तो पहले 30 की सोच के चल रहे थे, हम सोचा 5-6 प्लेट कम से कम लेंगे। जब पता लगा 60 की है तो हमने कहा भैया कम कर दे, मतलब थोड़े भाव बढ़ गए भाई के। अब ये देखो ये है भाई लोग, अभी ना पूरा पूरा नहीं है, जैसे भी यही लोग हैं। और 10 रुपये की लस्सी है, लस्सी 10 की ये। और ये कैसा भाई पहला सवाल पांडे जी, आप लोग पैसा वसूल है? चल हम भी खाते हैं फिर बताते हैं। भाई मज़ा आ गया खा के, अभी हम खा ही रहे हैं। और दोनों चीज़ अच्छी इसकी, छोले कुलचे तो ऐसे हैं जैसे मतलब छोले चाहे लो चाहे मत लो चल जाएगा आपका, मतलब पीले कुलचे हैं। लेकिन छोले सब भी अच्छे लग रहे हैं और लस्सी भी ठीक ठाक है। लस्सी इतना नहीं कहूँगा अलग से कुछ के कुछ है, बट ये लेकिन बढ़िया है खाने लायक। लस्सी तुमने पी है? जी बिल्कुल, मेरे को ठीक ठाक लगी। तो अभी हम ना खड़े खड़े हिसाब लगा रहे थे कि भाई ये बंदा कितना कमाता होगा। तो अब हमने जितना सोचा था ना, हमें उसका डबल करना पड़ेगा। मतलब हमने सोचा 10-20 हज़ार रुपये, बट अब मुझे लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 50 हज़ार कहीं नहीं गए एक दिन के आराम से ना, आराम से। तो हम जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ देखो अभी भी भीड़ लगी हुई है, कम से कम नहीं तो 20-30 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ तो भाई मस्त खा के गाड़ी में बैठ चुके हैं, ठीक है। और भाई सच में खाने के लायक बहुत ही बढ़िया जगह है, ज़रूर आओ एक बार, ज़रूर खाने आओ एक बार आओ। लेकिन एक प्लेट मत कराना कभी गलती से भाई, एक आधा प्लेट एक्स्ट्रा ही कराना, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी एक भी बंदा नहीं देखा जिसने कि एक प्लेट कराई हो, मतलब 5 से नीचे कोई भी प्लेट ले गया। हम 3 प्लेट वाले थे पहले, हमारा प्लान था कि हम 6-5 कराएंगे, लेकिन जब रेट था ना पहले 30 रुपये रेट था, अब यहाँ 60 रुपये रेट हो चुका है। तो उस चक्कर में फिर हमने प्लान कैंसिल करके 3 प्लेट ही करवाया और तीन खाया, 3 प्लेट भी नहीं खाया। अभी इसने बचा के रखा हुआ अपने रास्ते का, ये रास्ते में खाएगी हमारा। हाँ
अब हम चल रहे हैं घर, तो चलो इसी साथ इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगले बाय शबाश है, चलो भाई बाय। हाँ भाई बिजी आदमी, चलो बाय।